फ्रेंड्स, ये है सैमसंग का S50 का मिडिल फ्रेम। आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, ये आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये है रिंगर, जिसको कि आप म्यूजिक सुनते हैं उसको स्पीकर बोलते हैं, जो कि यहाँ पर स्टील से जड़ा हुआ है। देख लीजिए प्लास्टिक कवर, और साइड से आपका रिमूव हवा के द्वारा बाहर आता है इसका आवाज़। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखिए गोल्डन कलर का जो दिख रहा है, ये सब नेटवर्क के लिए दिया गया होता है। और ये जो गोल्डन का दिया हुआ है, ये पावर की और वैल्यूम कू का बेल्ट वायर है, जो कि आपके मिडिल फ्रेम में ही कनेक्ट होता है और PCB के थ्रू। बाकी यहाँ पे आपको जो गोल्डन या सिल्वर दिख रहा है, वो नेटवर्क के लिए होता है। ये मिडिल फ्रेम आपका जो ओरिजिनल है, जिसमें कि आपका नेटवर्क का पूरा सेक्शन भी दिया गया होता है। ये देखिए गोल्डन कलर का जो दिख रहा है, वो नेटवर्क सेक्शन है। तो इसका यूज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कॉपी वर्जन लेंगे तो आपको इसमें ये ओरिजिनल से निकाल के लगाना होगा, और उसका हाई कॉपी लेंगे तो उसमें आपको लगा हुआ आएगा। और उसका रियल कॉस्ट मैं बता दूँ, अगर कॉपी वर्जन आप लेने जाते हैं तो लगभग आपका 350 रुपये मिलेगा। और ये जो ब्लैक कलर का फॉइल देख रहे हैं, ये आपका जो है सेट को ठंडा करने के लिए होता है, PCB और बैटरी को। तो दोस्तों, इसका रियल कॉस्ट ओरिजिनल वाले का मैं बता दूँ, सर्विस सेंटर में ये आपको कम से कम 1200 रुपये मिलेगा, और पीछे का जो पैनल है वो आपको लगभग 650 रुपये का। तो देखते रहिए मेरे चैनल टेक फॉर वर्क एंड टेक सॉल्यूशन को, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए टेक फॉर वर्क एंड टेक।